जी भाई हाय। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ अपने रूम के बारे में। यहाँ पे जो कुआलालंपुर है उसमें ये मैंने रूम लिया हुआ है और ये पाकिस्तानी रुपीस 1900 में पड़ा है पर नाइट। तो ये बेसिक सा रूम है दो बंदों के लिए। इसमें डबल बेड है और इसमें एयर कंडीशन भी है और फ्री वाईफाई भी है और बेसिक सा इसमें बाथरूम भी है। इसकी वजह यह है कि ये थोड़ा सा महंगा है, यानी 1900 रुपये में भी ये महंगा लग रहा है मुझे, क्योंकि नीचे डाउन द फ्लोर जहाँ पे ये है उसके नीचे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और ये जो एरिया है ये बुकित बिंतान नाम है इसका, जो सबसे सेंट्रल एरिया है कुआलालंपुर में। अभी मैं थोड़ा सा आपको बाहर भी दिखा देता हूँ। और ये कहानी कुछ इस तरह हुई कि मैंने रूम ऑनलाइन बुक किया था, वो जगह मुझे मिली नहीं, तो फिर ये मैंने एक दोस्त की मदद से ये मैंने रूम ले लिया। तो अदरवाइज़ आप agoda.com पे जाएंगे तो ये बुकित बिंतांग जो एरिया है ये सेंट्रल लोकेशन है, यहाँ से कहीं भी आप जा सकते हैं। और इटसेल्फ ये एरिया भी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तानी इंडियन। तो यहाँ पे आपको agoda.com पे अच्छे रेट्स पे होटल्स मिल जाएंगे। ये हमारे होटल रूम से नीचे की तरफ स्टेप्स जा रहे हैं और ये है बाहर का एरिया बुकित बिंतांग, जो कि बहुत सेंट्रल लोकेशन है। ये रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी पेराडाइज और एक और रेस्टोरेंट यूके एशिया, और ये मेन स्ट्रीट है। तो इस वजह से ये जो है ना यहाँ पे होटल थोड़ा महंगा पड़ेगा। मलेशिया जो है इतना महंगा नहीं है, खासकर रूम के हवाले से। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहना चाहेंगे। अगर आप कुआलालंपुर में भी स्टे करते हैं और ये जो बुकित बिंतांग एरिया है या जो सिटी सेंटर है इससे थोड़ा सा बाहर रहेंगे तो फिर आपको बहुत कम रेट में रूम मिल जाएगा, यानी 1000-1200 में भी आपको रूम मिल सकता है इजली एक बंदे के लिए। और अगर आप सेंटर में रहते हैं तो यहाँ 2000 रुपये पर डे पे आपको रूम मिलेगा। आप ऑनलाइन agoda.com पे सर्च करें और एक हफ्ते पहले जो है बुक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको और भी कम रेट पर पड़ेगा। बाकी है कि ओवरऑल यहाँ पे जो है ना अकोमोडेशन इतनी महंगी नहीं है और आप डायरेक्ट भी जो है आके यहाँ पे बुक कर सकते हैं, यानी ऑन द स्पॉट। लेकिन उससे बेहतर ये है, मैं समझता हूँ कि आप ऑनलाइन बुक करें, क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है और कम रेट पे पड़ता है। और ये होता है कि बीच में आपके पास बुकिंग होती है, तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या और मुश्किल है तो आपके पास वो एड्रेस होगा, वो आप टैक्सी वाले को या किसी को भी दिखा के वो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा अकोमोडेशन के हवाले से मलेशिया में। तो अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।